नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। आज हम बात करेंगे भीषण गर्मी की। अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। लगातार गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जलाशय, तालाब, कुएं भी सूखते जा रहे हैं। लोगों को पानी का संकट भी हो रहा है। इसके साथ ही कई बीमारियां भी फैल रही हैं, जिससे लोगों में संक्रमण का दौर आ गया है। लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज के लिए। आखिर इतनी गर्मी, भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इससे बचाव के, इस पर भी चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप चौधरी जी, जाने माने फिजिशियन, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर भरत राज सिंह, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ से, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम सवाल लेंगे डॉक्टर भरत राज सिंह जी से। सिंह साहब, आखिर ये गर्मी क्यों इतना प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? अप्रैल का ही माह है, तापमान 43 से पार चला गया है लगातार। अगर हम पिछले मौसम की बात करें या उससे पिछले साल की बात करें, साल दर साल मौसम की तीव्रता लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? बात करें ठंडी में अत्यधिक ठंडी, गर्मी में अत्यधिक गर्मी, आखिर इन सबके पीछे कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण तो इसका ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी सभी को पता है कि जो हम अंधाधुंध हम लोग विकास की गति में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और तमाम वाहनों की संख्या बढ़ रही दिन ब दिन, उससे जो हाइड्रोकार्बन, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, मीथेन, हाइड्रस, सारे गैसेज जो जिसे ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, उसके कारण एक कहिए कि बिना अदृश्य टाइप एक बादल हमारे 40-50 किलोमीटर ऊपर इस वायुमंडल में इकट्ठा हो गया है। और दिन में जब भी सूरज की रोशनी आती है तो वो पृथ्वी गर्म करती है, या जलाशय है उसको गर्म करती है, या समुद्र है उसको गर्म करती है। लेकिन पृथ्वी जब गर्म होती है तो उससे गर्म होने से रेडिएशन भी होता है, वो गर्मी ऊपर जाती है। फिर अगर एक बादल रूप में हमारी ग्रीन हाउस गैस है तो वो फिर वापस आ जाती है, और पृथ्वी वहीं की वहीं किसी न किसी रेशियो में धीरे धीरे वो गर्म होती रहती है। और उसमें सारे एक ही उसके भागी नहीं है कि वो पृथ्वी का जो सॉयल है वही गर्म हो रही है, उससे समुद्र के पानी भी गर्म हो रहा, उससे ग्लेशियर में गर्मी आने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे एटमॉस्फेयर में और भी जितने अवयव हैं वो भी गर्म हो रहे हैं। तो सारी चीजें नौ तरीके के आयाम हैं जिससे ये गर्म, तो ओवरऑल ये तो अब प्रूवन हो गया। जब से IPCC की 2007 तक के रिपोर्ट में ये था कि 2015 तक हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे और ये कार्बन का जो उत्सर्जन है इसमें कमी करेंगे, लेकिन उसमें ये देखा गया कि जो भी विकसित देश हैं वो अपनी सुख सुविधाओं को कम नहीं करना चाहते, और जितने विकासशील देश हैं वो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जितनी समितियां हुई, अभी जो पेरिस की समिति रिसेंट हुई, एक बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उत्सर्जन को, हम कार्बन को 2% घटाएंगे, और ये पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो विकसित देश हैं अगर वो अपने सुविधाओं में थोड़ी कटौती नहीं करें, या दूसरे संसाधनों का उपयोग में कोई रिसर्च को आगे बढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हम हाइड्रोकार्बन का ही उपयोग करें, हम और भी विज्ञान के दृष्टि से और चीजें उसके लिए उपयोग करें, सौर ऊर्जा पर करें। देखिए, अभी सौर ऊर्जा की बात आपने बहुत अच्छी उठाई है। सौर ऊर्जा ऐसी चीज है कि हमारा हिंदुस्तान तो कोई इलाका ऐसे नहीं है, पहाड़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जहां पर आपके सौर ऊर्जा का भंडार नहीं है। हमेशा आपको 8-10 घंटे जरूर मिलता है। और एक आपको सुनकर के ये खुशी भी होगी कि एज हम ये क्लाइमेट चेंज के जो हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहे हैं, हमने एक दिशा देने की कोशिश लखनऊ में की है, और पहला हमारा घर है इस लखनऊ क्षेत्र में जहां पर नेट मीटरिंग करके हमने सोलर एनर्जी का 5 किलोवाट का जनरेशन प्लांट लगा दिया छत पर। इसका उद्घाटन अभी शीघ्र कराने वाले हैं ताकि लोग इसमें भागीदारी करें, और केवल उद्देश्य यही है कि लोगों में एक जन जागरण की भावना पैदा करें, और लगातार जिससे कि ये अगर हमारे
जो उत्सर्जन हो रहे हैं ये कम हो जाएंगे तो हमारी गर्मी कम हो जाएगी। और जलवायु परिवर्तन उसी का एक फॉलआउट है, उसी का कारण है। जब आप किसी चीज गर्म हो रही है तो उधर से आप पोलर आइस मेल्ट कर रही हैं, तो नेचुरल है कि जलवायु में परिवर्तन होगा। और ये हमें इस पर बहुत प्रयास करने की जरूरत है, और जिस ये पूरे समाज को जोड़ने की जरूरत है। आप जैसे दूरदर्शन के माध्यम से तमाम प्रोग्राम चलाते हैं, ये जन जागरण की भावना लेकर के सब जगह जगह पर चलाना चाहिए, सोसाइटी में इसके एनजीओ जी 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 ताकि बिल्कुल बड़े जन जागरण तो की जरूरत है इसमें। तभी इसमें थोड़ा जी जी हमारे साथ डॉक्टर संदीप चौधरी जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, भीषण गर्मी कहेंगे समय पड़ रही है, कई जगहों पे तो स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं, ऐसे में किन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है? बढ़ती हुई गर्मी से आमतौर पे दो तरह के एक आपको खतरे रहते हैं। सबसे एक तो डायरेक्ट गर्मी की वजह से होता है, दूसरी गर्मी से उत्पन्न हुए बैक्टीरिया या जितने भी वैक्टर्स है उनकी संख्या बढ़ जाने का कारण होता है। जो डायरेक्ट इफेक्ट गर्मी के कारण होता है वो आमतौर पे जैसे कि लू लग जाना, हीट स्ट्रोक जिसे आप कहते हैं, और ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हीट स्ट्रोक के होने के चांसेस हमें रहते हैं या लू लग जाने के चांसेस होते हैं। ये तो डायरेक्ट गर्मी की तापमान बढ़ने की वजह से डायरेक्ट ये इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट जो सबसे कारण होता है, जो गर्मी में आमतौर पर देखते हैं कि थोड़ा सा वेक्टर की पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, मच्छरों का आवागमन बढ़ जाता है, गंदगियां उड़ने लगती हैं, चीजें सड़ जाती हैं, और बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, उनका दुरुपयोग, तो एक उनके से इंटरेक्शन उनसे बीमारियां होती हैं। तो डायरेक्ट गर्मी की वजह से भी होती हैं और उनसे और वैक्टर की वजह से भी बीमारियों का एक तरह से इस गर्मी में जैसे कहते हैं कि तेजी से उठना, तो ढेर सारी बीमारियां अपने आप गर्मी लेकर भी आती है। अच्छा, इन गर्मियों में जब सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है आमतौर पे लोगों को पेट दर्द की शिकायत, डायरिया या चेचक, बच्चों में चिकन पॉक्स, इन सब बीमारियों का भी कारण गर्मी ही है। हाँ, गर्मी में आमतौर पे ये देखा गया है थोड़ा सा वायरस या इस तरह के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से इन सब की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इस सीजन में एक तो परिवर्तन होता है सीजन ठंड से गर्मी में, तो इनकी जो संख्या बढ़ने के कारण जैसे वायरस की पॉपुलेशन बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस इन्फेक्शन के रहते हैं और हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही भी रहती है इसके वजह से। रही बात पेट दर्द की जहां तक बात है, तो ये देखिए कि आमतौर पर हम जो भोजन आप ले रहे हैं वो स्वच्छ नहीं रहता, कहीं ना कहीं भोजन में हम जो प्राप्त कर रहे हैं, भोजन हम ले रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं उसकी खराबियां या वो ठीक ढंग से रखा नहीं है या वो पुराना हो गया है या कुछ उसमें खराबी है, कुछ साफ सुथरा नहीं है, और इसकी वजह से भी ज्यादातर पेट दर्द सब। गर्मी किसी को लग गई है तो क्या कुछ लक्षण है आदमी कैसे जानेगा हमें गर्मी के मौसम से दिक्कत आ रही है, अब समस्या गंभीर हो सकती है, कैसे पहचाने वो? बहुत सरल है। गर्मी अगर आपको लग गई तो उसका पहचान बहुत सरल है। आपके शरीर का तापमान बढ़ा मिलेगा, आपको मुंह सूख जाएगा, आप थोड़ा सा आपका बेचैनी होगी, आपको समझ नहीं आ, थोड़ा सा आपको अंधेरा छाने लगेगा, और आप कई बार उल्टी भी हो सकती है, या अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया डायरिया भी हो सकता है। अगर आप सामान्य से आपका चल चलन, अपना उठना बैठना, आपको तापमान महसूस, आपको कोई दिक्कत हो रही, तो ये स्वतः लक्षण बताते हैं कि आपको कुछ ना गर्मी लग, जैसे लू लग जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हम आएंगे जो है सिंह साहब के पास। सिंह साहब जी, जैसे आपने बताया कि कार्बन उत्सर्जन लेकिन के कारण ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही आपने जिक्र किया था कि पृथ्वी अपने अक्षांश से कुछ डिग्री हट गई है, इन सब चीजों के पीछे कारण क्या रहे हैं, मानव से कहां पे चूक हुई है? इसके साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्बन उत्सर्जन या पेरिस सम्मेलन की बात हुई थी, भारत ने भी बड़ी मजबूती से वहां अपनी बात रखी थी कि जो विकसित देश हैं उनको आगे आके इसकी भरपाई करनी चाहिए, और हम जैसे विकासशील देश हैं हमें तो अभी आगे और बढ़ना है, कार्बन उत्सर्जन हमें तो करना ही पड़ेगा, ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, हमें ये पूरे विश्व में सबको एक ठानना पड़ेगा। आज हम इतने इस विषय पर गहन अध्ययन मैंने कम से कम 2005 से किया है, 10 साल हो गए हैं लगातार इस पर हम चल रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी हाथ में हैं और हाथ से अगर ये हमारे निकल जाएगी तो ये संभावना नहीं है कि इसको हम
पुनः वापस ले आ सकते हैं इसको, और आने वाली जनरेशन पर इसका बड़ा भारी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें अगर सभी को मिलजुल कर, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील हो, विकसित देश को थोड़ी सी कठिनाई होगी कि क्योंकि जितनी उनकी सुख सुविधाएं उनमें कटौती होगी, विकासशील देश वो अपनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबको मिलजुल करके जो इसके दूसरे हमने बताया है कि जैसे हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जोर लगाना पड़ेगा, कहीं हमें ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जोर लगाना पड़ेगा, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नए नए रिसर्चेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कारण है कि हमें इंडस्ट्रीज में जो हम थर्मल पावर की बात करें तो उससे कोयले का जितना है हमारा देश और चाइना मुख्यतः इसका उपयोग कर रहा, अभी भी 250 से कोयला हमारे पास उपलब्ध है, तो अगर हम इस पर पृथ्वी के दोहन को कम करें और पेड़ की संख्या बढ़ाएं। देखिए अभी क्या हुआ है, फूड ग्रेन्स के चक्कर में सारा जितने बगीचे बाग थे सब काट काट करके उनको खेती के रूप में परिणित कर दिया गया। तो जो नेचुरल प्रोसेस था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन जो कि हमारे जीवनदायिनी है वो पैदा होती थी, वो चीजें कट गई और वो कट रही है लगातार, और लगाने की संख्या कुछ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लीड लिए हैं कि इस बार हम पेड़ों को अब रिकॉर्ड लगाएंगे, तो ये हमें लीड लेने पड़ेगा, ना कि एक प्रदेश को, सारे प्रदेशों को, पूरे देश को लेना पड़ेगा, और इससे आगे बढ़ने से ही ये कुछ कमी हो सकती है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि अभी आज की परिस्थितियां क्या है जिससे ये गर्मी बढ़ रही है, और परिस्थितियां ये है कि देखिए जलवायु परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ इसको, ये भी एक प्रश्न होता है, जलवायु परिवर्तन हुआ ये कैसे, आप देखें कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का और समुद्र के भी सतह में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो पहाड़ियों पर भी, पहाड़ियां भी गर्म हो रही, पहाड़ियां गर्म हो रही, तो उस पर जो ग्लेशियर जमे हुए हैं, जो लाखों लाखों साल से जमे हुए हैं, वो उनकी सतह धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, वो पिघल रहे हैं। अभी इसका हमने देखिए आपका ये केदारनाथ ट्रेजडी हुई थी, बताया था कि वहां शिलापट टूटे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अब जब पिछले इसमें सीजन में शिलापट टूटे हैं पहाड़ों में इसके ग्लेशियर के, तब लोगों को पता लगा ये तो ये कारण है, शिलापट क्यों टूटेंगे, जब आप दरकेगा अगर गर्मी नीचे पड़ेगी तो वो जितनी बर्फ है वो चटक जाती है, चटक जाएंगे तो बारिश जैसे जरा सी भी बारिश हुई तुरंत वो खटाखट टूटना शुरू कर दे। आज स्थिति यह है, आपको ताजुब होगा और ये जान करके हमारे दर्शकों को भी ताजुब होगा कि हमारे आर्कटिक सी जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जहां हमारी बर्फीला ही पड़ा हुआ है और वहां 45 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया में बर्फें पड़ी हुई हैं, जो 3,000 किलोमीटर 3,000 मीटर के ऑन एवरेज हैं, क्या ये ताजुब की बात नहीं। जब हमारी किताब 2012 में निकली, 2011 में मैंने बताया, 16 सितंबर 2012 को नासा ने रिकॉर्ड किया और वहां पर बर्फ सारी खत्म हो करके 31,70,000 ही किलोमीटर बची, ये इतनी बर्फ पिघल गई। और ये क्या 2007 से उसके बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है, सभी को मालूम है। अब अगर वो बर्फ पिघली गई कहाँ, उसने चट्टानें भी खिसकी वो गई कहाँ, वो धीरे धीरे जाकर के आर्कटिक सी जो अमेरिका यूके या कनाडा के बीच में मिलता है वहां आ गया। आज देखिए क्या हालत है यूएसए की, मैंने बताया वहां तो बर्फ जम रही है, वहां ग्लेशियर बन जाए, 4-4, 6-6 फीट बर्फ जम जाती है दिसंबर जनवरी में। वहां यूके की हालत देखिए, ब्रिटेन की हालत देखिए, फ्रांस की हालत देखिए, यहां तक कि अब तो आपके आ गए हैं अरब कंट्री तक उसकी हालत होती, पानी बरस रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। इस चेंज को हमें कंट्रोल करने के लिए सबको मिलजुल करके 2-3 अभियान जरूर लगाने चाहिए, जिसमें कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत जोर देना, सोलर को जोर देना, जहां विंड जैसे अमेरिका
जैसे कंट्री है, उसमें 400 गुना उनके पास पावर जनरेशन के विंड प्रेशर है, डेनमार्क में विंड प्रेशर है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते, उसको स्टोरेज करें, उससे चलाएं। हमने तो विंड की एयरोबाइक बना दी है, उससे चलती है, तो टेक्नोलॉजी चेंज करने की बात है, इन सब चीजों पर लगातार काम होना चाहिए। डॉक्टर चौधरी जी, हम आपके पास आएंगे। गर्मी के मौसम में खास तौर पे देखा गया है कि स्किन डिसीज काफी ज्यादा होती हैं, लोगों को त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। क्यों होती हैं ये बीमारियां और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इसमें? देखिए, गर्मी में अन्य बीमारियों के साथ साथ चमड़ी की बीमारियां भी कुछ बढ़ती हैं। उसका बढ़ने का कारण एक होता है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो आमतौर पर देखिए कि वो पूरा शरीर हमारा खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, हम हाथ ढकने की आदत नहीं है और कोशिश करते हैं कि छोटा कम कपड़ा पहने। जब आप सीधे सनरे से अफेक्टेड होते हैं तो स्किन में रिएक्शन होता है, साथ साथ थोड़ा सा पानी की कमी होती है, तो ये स्किन में विभिन्न प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होते हैं, उनसे ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो जिसे कहते हैं चमड़ी जल जाना, चमड़ी का रंग बदलना। जब चमड़ी जलती है, इसका रंग बदलता है तो खुजली होती है, फिर उस पर आप थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो चमड़ी के संबंधित रोग जो है वो उसे बचाया जा सकता है इस गर्मी में। आराम से कोशिश करिए कि आप पूरी बाह का कमीज, पूरी बाह के कपड़े पहने और कम से कम सर को आप क्या टोपी से ढक लें। सीधे अगर फेस पे आपको अगर सीधे सनरेज नहीं मिले तो आपको स्किन की प्रॉब्लम जो चेहरे पे होती है वो नहीं होगी। और कोशिश करिए कि कॉटन के कपड़े ज्यादा पहने। नायलॉन के कपड़े में थोड़ा सा गर्मी की ऊष्मा का रेडिएशन इतना अच्छा नहीं होता जितना कि सूती कपड़ों में होता है। तो पहनावों में अगर परिवर्तन करें तो ये स्किन की जो गर्मी से रिलेटेड समस्याएं वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज जैसा कि लोग दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, खासतौर से सनबर्न की प्रॉब्लम काफी ज्यादा चेहरे पे नजर आती है लोगों के, ऐसे में वो क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जो हालांकि चिकित्सक को उनको दिखाना चाहिए, परामर्श लगातार लेना चाहिए, लेकिन त्वरित रूप से घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं कुछ ऐसा? घरेलू पहले तो एक सबसे स्वच्छ बात है कि आपके चेहरे को डायरेक्ट सनरेज ना मिले। अगर आप टोपी पहन लेते हैं, छाता लगा लेते हैं, तो इससे तो पहले बचाओ सबसे बड़ा इलाज होता है। अगर आपको ऐसा कभी है, आपको इस तो आप मुंह को कम से कम पानी से बार बार धुलते रहें। साधारण कहीं पानी आपको हर जगह मिलता है, मुंह गर्मी से आप आए तो मुंह थोड़ा ठंडापन आ जाएगा। फिर भी अगर होता है तो साधारण घर का कोई भी आप वैसे आप हल्का सा क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मार्केट में तो ढेर सारे सनस्क्रीनर्स हैं, उस पर नहीं जाएं। आप घर में भी अगर घरेलू इलाज कराना चाहते हैं तो थोड़ी सी घर में मलाई वगैरह दूध में निकलती है, उसको निकाल के अगर लगा ले तो ठंडापन भी आएगा और आराम से आप सुरक्षित रहें। और रही बात अगर होता है इस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती, समस्या होती है, तो आके चिकित्सक से उसे चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए। लगातार हम आएंगे सिंह साहब एक बार फिर से आपके पास। इस गर्मी के कारण लगातार देखा गया है अपने देश में स्थिति, पानी की लगातार कमी देखी जा रही है और हालात यहाँ तक कि महाराष्ट्र के जो हालात हैं, आप जग जाहिर हैं कि वहां ट्रेनों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। बुंदेलखंड लगातार पानी की समस्या से जूझता जा रहा है, जल स्तरों में कमी आ रही है, हैंडपंप कुएं सब से पानी जाता रहता है, जल स्तर इतना नीचे चला जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और इसमें जो है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? चलिए हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ऐसा चाहते हैं कि जिससे कि आम पब्लिक को भी जानकारी हो जाए हो क्या रहा है। आप देखते होंगे कि जाड़े में बर्फ पड़नी चाहिए पहाड़ों में, बर्फ पड़नी चाहिए, बर्फ पड़ती है और पड़ रही है। तो हम यहाँ लखनऊ में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके, मध्य प्रदेश में बैठ करके वो आनंद उठाते हैं जो नैनीताल में होता है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि बर्फ जो पड़ रही है वो बर्फ हमारे ग्लेशियर पर चिपक नहीं रही, उसका डिफरेंशियल टेम्परेचर जो है उस बर्फ का जो वहां पर है वो कम होना चाहिए, तभी कम पर कोई भी चीज डाली जाएगी तो चिपक जाएगी। गर्म चीज पर कोई चीज ठंडी रखिएगा तो वो नहीं चिपकेगी। तो अब इसका मतलब है कि बर्फ जो पड़ रही, पड़ने को तो ये पता लग रहा है बर्फ पड़ रही, लेकिन बर्फ जो पिघल गई है उसमें बढ़ोतरी नाम मात्र होती है और नीचे उतर आती। पहली चीज तो यह है कि बर्फ के जितनी ग्लेशियर की ऊंचाई थी धीरे धीरे घट रही है और ये पूरे विश्व में आंकड़ा कि 1.2% प्रति ईयर ये घट रही है बराबर, तो बर्फ पूरे विश्व में, तो यहां भी घट रही। अच्छा, अब रह गया कि अगर हमारी हवाएं
समुद्री हवाएं गर्म होकर के हमें पश्चिम बंगाल की कहते थे खाड़ियों से हवा आती है, मानसूनी हवा चल करके यहाँ हिमालय में टकरा करके हम को वर्षा होती है उससे। अब वो वर्षा आज ये हो गया कि वहां की जितनी भाप बनती वो आसपास के इलाके में वहां बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश है, वहां उड़ीसा, सब तबाही के कगार पर बारिश से हो जाते हैं। यहां तक कि राजस्थान और आपने महाराष्ट्र की हालत देखी तो वहीं जितनी भी उसमें वेपराइजेशन होता है वहीं टेम्परेचर डिफरेंशियल के होने से तुरंत ही वहां पर बारिश हो जाती है, जो वहां से आज आपको बंगाल की खाड़ी के मानसून की हवा नहीं आ रही। जब हवा नहीं आ रही तो 15-20% आपकी कटौती हो रही है आपके इसमें बारिश में, हर साल घटती चली जा रही है। बारिश जब घट रही है तो आपके जलाशय कम होते जा रहे हैं। दूसरे है कि तमाम घरों के बनने से अब रिचार्जिंग पृथ्वी में नहीं हो रही, तो यहाँ भी सूखाग्रस्त हो रहा। यहाँ तक कि हालत यह है कि आपको बताएं कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश तो बड़े भीषण सूखे को उसमें आने वाला है आने वाले समय में, तो जलाशय कम होंगे। आज जैसे आपके बुंदेलखंड की हालत है, कल को यहाँ होगी, लातूर की हालत है, यहाँ भी होगी। जब आपके नीचे रिचार्जिंग नहीं है, बारिश कम हो गई है, पानी कहाँ से, सतह किस सतह से पानी लाएंगे, तो पानी की बहुत विकराल स्थिति होने वाली है। तो एक वार के रूप में आगे आने वाले समय है कि ये होने वाली, अब पानी ज्यादा आ रहा, जितनी बर्फ पिघल रही वो नदियों के और इसके माध्यम से चले जा रहा है सीधे समुद्र में। समुद्र के रेशियो जो बढ़ भी रहा है वो 2.54 मिलीमीटर पर ईयर समुद्र धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र बढ़ रहा है, बढ़ रहा। अगर 21वीं सदी के अंत तक, मैं तो बड़ा इसमें, मेरी ये किताब है जिस किताब में पहले ही मैंने 2015 में ऑलरेडी छप चुकी है, ये किताब है जिसमें हमने लिख रखा है कि आने वाले समय में अगर ये हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बर्फें पिघलेंगी तो इक्वेटर पर सारे समुद्र में चली जाएंगी, तो पृथ्वी का तो जो आपका स्पिनिंग एंगल है 23.43 डिग्री, ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। और आज इस किताब का ये प्रामाणिकता ये हो गई है कि नासा के वैज्ञानिकों ने और कनाडा के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पेपर में अक्सर आप देखते होंगे आता है कि पृथ्वी तीन इंच खिसक गई, पृथ्वी की धुरी में 3 इंच का परिवर्तन आ गया, पृथ्वी की गति धीमी हो जाएगी। तो आप सोचिए आने वाला तो बड़ी विभीषिका में हम लोग पहुंचने वाले। पानी तो एक पानी और वायु ऑक्सीजन दो तो मनुष्य के जीवन के लिए जीवनदायिनी है, उसमें कटौती होने के साथ साथ ये तमाम, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तमाम बीमारियां तूफान ये वो ले आकर के खड़ा कर देंगे, और इसमें तो बड़ी भारी समस्या आने वाली है। डॉक्टर चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में बच्चों के और बुजुर्गों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके की बीमारियां, खासतौर से जो गंभीर बीमारी के शिकार लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से बचाव करना चाहिए उन लोगों को, खासतौर से हार्ट पेशेंट हैं जब गर्मी में उनका बीपी हाई हो जाता है, या बच्चे छोटे मासूम बच्चे वो ज्यादा प्रभावित होते हैं गर्मी से, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं और किस तरीके की दिक्कतें उनको होती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके प्रभाव के बारे में, आमतौर पर गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाए तो छोटे बच्चों या बुजुर्गों पर होता है, और यंग एज थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लेता है जिस कारण, लेकिन प्रभाव उस पर भी होता है। ज्यादातर बच्चों पे, मैं खासतौर पर, तो बच्चे क्योंकि उनकी औसत, उनके शरीर में अगर देखा जाए तो पानी की मात्रा कम होती है या एरिया वाइज कम, उन्हें थोड़ी सी पानी की कमी के कारण तुरंत उनके सिम्टम्स आ जाते हैं। और यही बात इसी तरह एडल्ट में हो जाता है, जो बुजुर्गों में, क्योंकि उनके पानी की चेंज बॉडी में चेंजेस करने के लिए वो भी यंग से ज्यादा कम होते हैं, इस वजह से उनमें ज्यादा चेंजेस आते हैं। औसतन अगर बचाव इसका बहुत सरल है, एक तो इस गर्मी में हम इस सुनिश्चित करें कि हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, यानी घर से निकलने से पहले, जब भी जब बाहर ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो एक सरल रूप है कि पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीकर तब बाहर निकलें। दूसरी चीज, अब आपके शरीर में पानी है तो उसको पानी को बाहर क्या कहते हैं, इवेपोरेट होने की भी कोशिश करें कि कम से कम, तो आप कपड़े पूरे पहने रहें, सर ढका रहे आपका, कॉटन कपड़े पहने, ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप सरलता रूप से करें तो आप उन्हें बचाव करा सकते हैं।
रही बात, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो गई, अगर आपको अचानक हीट स्ट्रोक पड़ गया, तो सबसे पहले काम शरीर का तापमान कम करना है। पानी अगर आप पी सकते हैं तो ज्यादा ज्यादा, और घरेलू जो उपचार है उसको भी आप साथ साथ कर ले, तो आपको कभी भी पानी की कमी से बीमारियां नहीं होंगी। यानी गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन या लू या हीट स्ट्रोक ये सब चीजें नहीं होंगी। पानी डॉक्टर साहब क्या ठंडा पानी पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, उस वक्त आपके पास जो उपलब्ध है उसको ले, सामान्यतया दिनों में आदमी को रूम टेम्परेचर में पानी होने, अगर ठंडा पानी मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको सामान रूम टेम्परेचर का पानी है वो आपके लिए नुकसानदेह, ऐसा नहीं है, आप उसे लें। और घरेलू चीजें बड़े आसान से, जैसे आप नींबू चीनी नमक का घोल बना बना के पी सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं आप, आम का पन्ना, जब आप बाहर से आ रहे हैं, धूप से, बाहर की गर्मी से आ रहे हैं, बहुत लंबा आपने बाहर रहे, कोई कार वर्ष रहे, तो घर में आने से पहले थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए आपका, तो सबसे पहले कोशिश की आम का पन्ना बना लें, बेल का शरबत ले लीजिए, शिकंजी बना लीजिए, जो आप लें। और घर से बाहर है तो आप हर जगह आपको खीरा ककड़ी वगैरह मिलता है, उसे आप ले, दही ले लें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि जो आप ले रहे हैं वो खुला नहीं है, साफ सुथरा है, साफ सुथरा होना चाहिए कम से कम, देखते, क्योंकि वो होता क्या है, वो उसी ठेले पे उसी हाथ से पानी से उसको बार बार धुलते रहते हैं और फिर आप जाते हैं बिना साफ उसको खा लेते हैं, तो बीमारी आपको ग्रसित कर दे, आपको पेट में इन्फेक्शन होगा, फिर आप दूसरी, आप गन्ने का रस पीते हैं, एक गिलास साफ नहीं रहता, मशीन उसका साफ नहीं, वहीं मक्खी भिनक रही है, नाली के किनारे पड़ा वहीं पे करा, तो इतना बस अगर सरलता से सुनिश्चित करने की, अगर आप ये चीज जो ले, जैसे कटे फटे फल होते हैं, आप देखिए जितने भी गर्मी में आप देखिए बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे गलत चीज खाने की वजह से होते हैं, तो जो खुले कटे फल का एक तरह से प्रचलन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जगह जगह पे, तो अगर आप सुनिश्चित करें साफ सुथरा तो ले लें, लेकिन अवॉइड करें कि खुला कटा फल, और खुला कटा फल बिल्कुल यूज न करें, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और पानी लगातार पिए, ज्यादा मात्रा में पिए, वही आपको गर्मी से ज्यादा बचाएगा। सिंह साहब एक सवाल आपसे और लेंगे, जिस तरीके से ये सीजन है, अभी से तापमान 43 डिग्री हो गया है, और आने वाले समय में मई जून में मौसम विभाग ने तो कहा है कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन मानव को क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इन सब के पीछे कारण क्या है, और मानव त्वरित रूप में खासतौर से अपने उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो क्या कुछ ज्यादा से ज्यादा उपाय किए जा सकते हैं इसको लेकर? देखिए, अभी कल का ही टेम्परेचर देखिए, लखनऊ का 43 डिग्री हो गया, अब और बांदा का 46 डिग्री हो गया, उम्मीद यह है कि इस सीजन में हो सकता 50 डिग्री से ऊपर हो जाए और आने वाले वर्षों में और ज्यादा हो जाए, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, जलवायु परिवर्तन, लेकिन हमें उपाय इसमें बहुत ही सुदृढ़ ये करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने सलाह किया कि शरीर को ढकने की जी वो सारी चीजें हैं, लेकिन पेड़ ज्यादा से ज्यादा सबसे चीजें हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लगाए, प्रकृति के साथ फ्रेंडली बने, प्रकृति को जो, और जो ये विकास की गति में होकर के इन पर हमने इग्नोरेंस किया उसको बचाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे जाने माने वैज्ञानिक भरत राज सिंह और डॉक्टर संदीप चौधरी जी, अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे लाभ मिलेगा, और हम ये चाहेंगे कि मानो सभी लोग मिलकर प्रकृति के साथ फ्रेंडली व्यवहार करें और लगातार आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे हम भी सुरक्षित, हमारी आने वाली नस्लें भी सुरक्षित हों। इसी कामना के साथ आज का प्रोग्राम में बस इतना ही, नमस्कार। प्रस्तुत हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ये तस्वीर है पूजा की। इनकी आयु है 17 वर्ष, लंबाई लगभग 152 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। इनके मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें, थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव। ये तस्वीर है सुभाष की। इनकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है। इनके मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें, थाना शिवली, जनपद
कानपुर देहात।